अभी तक हमने दो वैल्यूज को ऐड करना सीखा कि कैसे ऐड करते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो अगर हमें कभी भी एडिटिव इनवर्स दे रखा हो, हमें कभी भी एडिटिव इनवर्स दे रखा हो तो उस केस में क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन के बारे में कि प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस, माइनस का ऑपोजिट होता है प्लस, राइट। तो जिस भी डिजिट से पहले माइनस साइन है तो वो प्लस का हो जाएगा डिजिट, और जिस भी डिजिट से पहले प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है या प्लस का साइन है, तो वो कौन की हो जाएगी डिजिट, माइनस की हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में अगर माइनस का 83 है तो माइनस की वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 83 इज 83, राइट। अब सेकेंड पार्ट में देखिए 256 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज, क्योंकि वैल्यू प्लस की है तो अब माइनस की हो जाएगी, माइनस 256। आप ये भी लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज माइनस 256, राइट। ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। अब थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में देखते हैं जीरो, तो जीरो हमें पता है ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कंफ्यूज्ड करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो। यहां लिख देती हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट कह रहा है माइनस 2001 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू एडिटिव इनवर्स होके क्या हो जाती है, प्लस की, तो 2001 इसका एडिटिव इनवर्स होगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट। अभी सेकेंड क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो हमने उसमें दो वैल्यूज को ऐड करना सीखा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे कि दो वैल्यूज को जिसमें एक साइन भी अवेलेबल है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स में दोनों में साइन हो, उस केस में हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वैल्यूज को, वो सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन सर्च करने में तो प्लीज़ मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाके अपनी क्लास और अपनी बुक प्रेस करके ड्रॉप डाउन से कोई भी प्लेलिस्ट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें सब्ट्रैक्ट करना है 28 फ्रॉम माइनस 42। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें 28 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, माइनस 42 में। अब प्लस का केस होता ये तो हम क्या लिख सकते थे, 28 प्लस माइनस 42, लेकिन माइनस के केस में हम ये नहीं लिख सकते। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसे हटा देते हैं। अब माइनस के केस में क्या होता है, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट जो होती है, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट यहाँ क्या है, ये फ्रॉम से पहले वाली डिजिट है, ये फ्रॉम के बाद वाली डिजिट है, तो फ्रॉम से बाद वाली डिजिट जो है वो माइनस 42 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 28, राइट। हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, तो हम क्या करते थे 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे 5, राइट। इसी तरीके से हमें 28 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 42 में से, तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट वाला है जो ये कह रहा है, राइट, और 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो पार्ट आ गया वो बिल्कुल सेम आ गया जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, तो इसलिए प्लीज सारी वीडियोस देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहां कुछ नहीं है तो प्लस माइनस, माइनस 42 ही आ जाएगा और माइनस का 28।
अब ध्यान दीजिए, दोनों माइनस की वैल्यूज है, तो जब दोनों सेम वैल्यूज होती हैं तो आपस में ऐड हो जाती हैं और साइन बड़ी वाली डिजिट का ही लग जाता है। तो बड़ी वाली डिजिट नेगेटिव डिजिट थी, माइनस की साइन था तो माइनस लगा दिया, और 8 + 2 = 10 कैरी 1 and 7, 42 + 28 = 70, तो 70 आ गया आंसर माइनस का। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है -36 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 42 में से। तो हम कैसे करेंगे, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिख दी क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस, और फ्रॉम से पहले वाली डिजिट अब लिख दी, राइट। अब कैसे करेंगे, 42 एज इट इज। अब अभी तक हमने देखा यहाँ पे ऑपोजिट साइन होते थे, अब सेम साइन है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर हम सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, चाहे माइनस के हों दोनों साइन या प्लस के हों, दोनों साइन सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 36। अब दोनों वैल्यूज हमारी प्लस की हो गई तो आपस में ऐड कर देंगे, तो 42 + 36 = 78 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा -37 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -53 में से, तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -37 को। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस माइनस 53 एज इट इज हो गया। अब दोनों सेम साइन है तो सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस देता है, तो प्लस आ गया 37। अब इस स्टेप में एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की है, तो जब भी एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू होती है आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 53 में से 37 गया इस 16, और क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की थी तो इसलिए माइनस का 16 इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट इज सब्ट्रैक्ट -66 फ्रॉम -34 में से, तो क्या करेंगे, -34 पहले लिखेंगे क्योंकि -34 में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -66 को। तो यहाँ देखिए प्लस है साइन और यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस -34, और क्योंकि सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 66। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, एक माइनस की है वैल्यू एक प्लस की है, तो आपस में क्या हो जाती थी, सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस की थी तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो प्लस का 32 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है 318 को किस में से, फ्रॉम 0 में से। तो कैसे करेंगे, अब हमें फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू एज इट इज सब्ट्रैक्ट करना है 318 को, तो क्या आ जाएगा, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी 0 में से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है तो वही वैल्यू आ जाती है, तो हमने 318 लिख दिया, और 0 और 318 में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 318, तो उसी का साइन लग जाएगा, तो माइनस का 318 इज द आंसर। लेट्स डू सिक्स्थ पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट इज सब्ट्रैक्ट करना है 153 माइनस के को फ्रॉम किस में से, -240 में से। तो देखिए फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और फ्रॉम के पहले वाली डिजिट बाद में लिख देंगे, तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस 240, और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 153। अब ऑपोजिट साइन है तो क्या करते थे, साइन तो बड़ी वाली वैल्यू का लगेगा लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 10 में से 3 गया 7,
थ्री में से फाइव नहीं जा सकता, 13 में से फाइव गया इज एट, और क्योंकि 240 बड़ी डिजिट थी जो नेगेटिव थी तो इसलिए माइनस साइन लगा देंगे, तो -87 इज द आंसर. लेट्स डू सेवेंथ पार्ट नाउ. सेवेंथ पार्ट इज हमें सब्ट्रैक्ट करना है -64 को जीरो में से, फ्रॉम जीरो. तो ये कितना आ गया, जीरो एज इट इज, सब्ट्रैक्ट करना है तो -64. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जीरो एज इट इज और हमें पता है माइनस इंटू माइनस इज प्लस 64. अब जीरो में 64 ऐड करें तो आंसर कितना आएगा, 64 ही आएगा. तो हमारा 64 आ गया आंसर. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट है हमारा -56 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 144 में से. तो 144 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 144 सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस, और क्या माइनस करना है, माइनस का 56. तो ये कितना आ जाएगा, 144 एज इट इज, और क्योंकि माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, प्लस 56, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 200. तो बड़ी डिजिट किसकी थी, प्लस साइन की, तो प्लस ही रहने देंगे, तो प्लस का 200 इज द आंसर.